पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद नगर निगम द्वारा महानगर में 5 स्थानों पर ठेके निकाले गए, जिनमें से टाउन हॉल, कंपनी बाग, पीएमएस स्कूल, मधुबनी पार्क, विशाल मेगा मार्ट, पारसनाथ प्लाजा। जब से ये खबर अखबारों में प्रकाशित हुई है, तब से शहर के ठेकेदार सब अपने जुगाड़ में लग गए हैं। परंतु देखने वाली बात यह है कि जो ठेकेदार पूर्व में ठेका चला रहे हैं, उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से सांठ काट कर अपने ठेके को इस साल भी आगे बढ़ाने की सेटिंग कर ली है। इसे देखते हुए जो नए ठेकेदार इस बार लाइन में लगे हुए हैं, उन ठेकेदारों में रोष व्याप्त है। इसी को लेकर एक ठेकेदार द्वारा आज नगर आयुक्त संजय चौहान को टाउन हॉल के ठेके के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया और कहा कि जो ठेके पूर्व में जिन ठेकेदारों पर हैं, वे अधिकारियों से सांठ गांठ कर ठेका इस साल भी आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो हम नहीं होने देंगे। हमने इस संबंध में नगर आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर आवश्यक कार्यवाही की गुहार लगाई है और कहा है कि स्वयं ठेकेदारों द्वारा बोली लगाई जाए। आपको बताते चले कि अंकित यादव द्वारा नगर आयुक्त संजय चौहान को प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें लिखा है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा ठेके के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, उन सभी शर्तों को हमारे द्वारा पूरा किया गया, परंतु नगर निगम अधिकारियों द्वारा पूर्व में जो ठेकेदार हैं, उन्हें दोबारा इस साल ठेका देने की सांठगांठ चल रही है, जिसका हम विरोध प्रकट कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम सारे ठेकेदार कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे।